फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के रसगुल्ले। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो यदि आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सूजी के रसगुल्ले। सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप सूजी, 2 कप दूध। जितनी आप सूजी लेंगे उसके 4 गुना आपको दूध लेना है। 2 चम्मच मैंने लिया है शक्कर पाउडर, इसकी जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं। 2 से 3 इलायची जिसे मैंने खोलकर इसके दाने निकाल लिए हैं। 3 चम्मच घी लिया है और 1 कप शक्कर चाशनी बनाने के लिए। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे, तो एक बर्तन में हम डाल देंगे शक्कर और इसमें डाल देंगे पानी। मैंने 1 कप शक्कर लिया है तो मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। इस कप से मैंने शक्कर ली थी तो मैं इसी कप से पानी डाल रही हूँ। आप किसी एक चीज का मेजरमेंट कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए, इसे शक्कर घुलने तक पकाइए। आप देख सकते हैं शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चाशनी को पकने देंगे। चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची डालने से चाशनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने चाशनी को 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। चाशनी बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में इस दूध को डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे सूजी को और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और इस तरह से चलाते रहिए। अब उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सूजी के रसगुल्ले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में तो आसान है ही, तो आप इसे जरूर बनाएं। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। यदि आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये नीचे पैन में चिपक जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए आप। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये डो के फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई शक्कर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पिसी हुई शक्कर भी इसमें अच्छे से मिल गई है और ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, इस तरह से हाथों को चिकना करके इस आटे को इस तरह से मस लेंगे हम, और मसल मसल के चिकना कर लेंगे। इस तरह से मसल दीजिए इसे। थोड़ा सा गर्म रहेगा ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए। मैंने इसे मसल मसल कर चिकना कर लिया है और एक डो की तरह तैयार कर लिया है। तो अब हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा पोषण लेंगे, जितना बड़ा आपको रसगुल्ला बनाना है। आप चाहें तो इसके अंदर स्टफिंग भी भर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, यदि आपको ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद हो तो। और इस तरह से हम रसगुल्ले बना के रख लेंगे। मैंने सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने चाशनी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसके अंदर एक एक करके रसगुल्ले डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब हम इसे ढक करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं रसगुल्ले पके हैं या नहीं। वाह, कितने बढ़िया रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे।
कितने बढ़िया सूजी के रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप ठंडा करके खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।